सर डीएलएफ कैसा दिख रहा है इस वक्त? डीएलएफ का प्राइस जो है अभी चल रहा है 387.35 का पैटर्न इसमें फॉर्म हुआ है, इसको बोलते हैं इवनिंग स्टार, और अभी हमें वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल बेरिश है, तो मेरे हिसाब से उसका वेट जो है 20 मिनट का और करना पड़ेगा। 20 मिनट बाद अगर ये स्टॉक 385 के आसपास काम कराएगा तो हाई के एसएल से इसमें सेलिंग कर सकते हैं। इस टाइम मैं बिल्कुल ये नहीं बोल सकता कि आप इसी रेट पे सेल कर दीजिए, क्योंकि अभी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, कैंडलस्टिक की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 12 बजे के बाद अगर ये 385 तक जाता है तो सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। वहीं पे अगर मैं इसका डेली का चार्ट देखूंगा या फिर मैं इसका थोड़ा सा वीकली का चार्ट देखूंगा तो वहां पे कोई खास क्लैरिटी नहीं है। आज का जो सेशन है वो बेसिकली इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए ही हो सकता है, और चाहे डीएलएफ हो चाहे कोई भी स्टॉक हो। बट अगर हाँ, डीएलएफ के अगर मैं कुछ चीजें लॉन्ग टर्म में बताना चाहूँ तो यहाँ पे बताने के लिए मेरे पास ये है कि यहाँ पे इसका फ्लैग का ब्रेकआउट है। डीएलएफ लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा सा आपको कुछ पैसा कमा के दे दे, बट लॉन्ग टर्म में ये बहुत बुलिश है। रीजन उसका क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये देखेंगे इसमें फ्लैग बना हुआ है, और फ्लैग में यहाँ पे पुल ओवर देखने पुल बैक देखने को मिला है। यहाँ इसमें रेजिस्टेंस ब्रेक का ब्रेकआउट हुआ, फिर स्टॉक नीचे गया और दोबारा से इसमें पुल बैक देखने को मिला, और पुल बैक के बाद इसका टारगेट 414 का रहेगा डीएलएफ का। तो डीएलएफ एक अच्छा स्टॉक है, इसको बाय करके चलिएगा। इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में बहुत बुलिश है। तो लॉन्ग टर्म वाले हैं इसको लिस्ट में लिख लो, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना लो, पैसा इसमें बहुत मिलने वाला है आपको। जी, तो सर ने एक मुनाफा कमाने के लिए लंबे समय की अवधि का एक स्टॉक दे दिया है डीएलएफ। आप इसे अपनी रडार पे रख सकते हैं जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं शो को, और इस स्टॉक से के माध्यम से आप मुनाफा कमा सकते हैं।